पाकिस्तान में बिजली नहीं, पानी नहीं, जनता को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं, इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान का भारत के साथ व्यापार पर पाबंदी। यानी कि पाकिस्तान भारत से दुश्मनी के चक्कर में कंगाल हो गया, लेकिन अब एक बार फिर पाकिस्तान को भारत की याद आई है और पाकिस्तान का 5 से 10 प्रतिनिधिमंडल जल विवाद पर बातचीत करने के लिए अगले हफ्ते भारत आएगा। लेकिन सवाल यह है कि अब कहां गई पाकिस्तान की अकड़ जो वो भारत को दिखा रहा था, और क्या भारत पाकिस्तान की मदद करेगा? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। न्यूज एजेंसी के मुताबिक डॉन अखबार ने पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त सैयद मोहम्मद महर अली शाह के हवाले से कहा कि बातचीत 30-31 मई को नई दिल्ली में होगी। प्रतिनिधिमंडल वाघा बॉर्डर के जरिए यात्रा पर आएगा। बाढ़ पूर्वानुमान आंकड़े साझा करने पर बातचीत होगी और सिंधु नदी के लिए पाकिस्तान के आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल निर्माणधीन पाकल डल और लोअर कलनई बांध की यात्रा नहीं करेगा, लेकिन इन पर और अन्य परियोजनाओं पर चर्चा की जाएगी। मार्च में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को उसकी वास्तविक भावना से लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। दोनों देशों ने आशा व्यक्त की थी कि स्थायी सिंधु आयोग की अगली बैठक भारत में जल्द से जल्द आयोजित की जाएगी। सिंधु जल संधि के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत बैठक वैकल्पिक रूप से पाकिस्तान और भारत में सालाना होती है। स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक के तौर पर भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों ने मार्च के पहले सप्ताह में मुलाकात की थी। भारत के सिंधु जल आयुक्त पी के सक्सेना की अगुवाई में 10 से 10 प्रतिनिधिमंडल PCIW की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए वाघा बॉर्डर के जरिए वहां पहुंचा और उसने राजधानी में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। 3 दिवसीय बैठक का आयोजन सिंधु जल संधि 1960 के दायित्वों के तहत पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त के कार्यालय ने किया था। 1947 में आजादी मिलने के बाद से ही दोनों देशों के बीच पानी को लेकर विवाद शुरू हो गया। दरअसल सिंधु जल प्रणाली जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियां शामिल है, ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत इन नदियों पर बांध बनाकर पानी का दोहन करता है और उसके इलाके में पानी कम आने के कारण सूखे के हालात रहते हैं। भारत के पास इन नदियों के पानी से भी खेती, नौहन और घरेलू इस्तेमाल का अधिकार है। साथ ही भारत डिजाइन और ऑपरेशन की निश्चित मापदंडों के अधीन पन बिजली परियोजनाएं तैयार कर सकता है। 3 नदियों के कुल 16.80 करोड़ एकड़ फीट पानी में से भारत के हिस्से 3.30 एकड़ पानी दिया गया है, जो कुल पानी की मात्रा का करीब करीब 20% है। हालांकि भारत अपने हिस्से का 93 से 94% पानी ही इस्तेमाल करता रहा है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारत पाकिस्तान के इस संकट का समाधान करेगा, क्योंकि ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान आज भारत के घुटनों पर है, जो आज पूरी दुनिया देख रही है।